फ्रेंड्स, सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स को, सभी को जिन्होंने करवा चौथ रखा है या जिन्होंने करवा चौथ नहीं रखा, उन सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। मैंने अपनी फेसबुक पर भी कमेंट किया है सबको जिन्होंने मुझे विश किया था उनको भी, और वैसे भी मैंने उस पर पिक्स भी डाली है करवा चौथ की, अगर आप सबको मेरी आईडी पता हो पुराने व्यूअर्स को तो, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने लाइव आने की कोशिश की बट आज लाइव आ नहीं पाई, और जैसा कि सब जानते हैं आज करवा चौथ है, सब लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी सी बनी होंगी, तो मैंने कुछ खास नहीं किया है बिकॉज़ आज करवा चौथ पे मेरी मॉम ने करवा चौथ नहीं रखा है बिकॉज़ मेरे पापा लास्ट ईयर थे, आज नहीं है, तो मैंने भी कुछ खास नहीं किया है, नॉर्मल सा किया है जितना कि करना पड़ता है किस लड़कियों को व्रत में। आज मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, सिंपल सा ये वाला सूट पहना है अपना, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये, और सारी तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं बिकॉज मैं ट्राई कर रही थी, और बस ये वाला सूट पहना है सिंपल सा, इसके साथ ग्रीन सलवार ग्रीन दुपट्टा है, ये सलवार सूट है, वैसे ही पजामी सूट है बट इसके साथ मैंने आज सलवार कैरी किया, और बालों का कुछ समझ नहीं आया, और मैं बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं होती बिकॉज मैं गांव में रह रही हूँ मम्मा के साथ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो है इकट्ठी होकर जैसे शहरों में करते हैं वैसे नहीं करते हैं, बस मेरी भाभी आएंगी उनके साथ मैं पूजा करूँगी, तो मैंने बस ये बाल खुले छोड़े हैं और इस तरह से बस यहाँ पे इनको पिनअप कर दिया है, और कुछ खास ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहनी है बिकॉज अपनी मम्मा के लिए मुझे ऑड लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये व्रत तो नेसेसिटी होती है जब तक इसका मोख ना करो, उद्यापन ना करो। और आप लोग प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स जितनी भी हैं मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं देखती हूँ हमेशा मेरे को जेंट्स के मेल्स के बहुत ज़्यादा आते हैं कमेंट्स, फीमेल्स कम करती हैं, अगर मुझे 20 आ रहे हैं उनके सजेशंस आ रहे हैं मेल के, तो मुझे 8-7 ऐसे गर्ल्स के होते हैं, और मेरे को ज़्यादातर जो मेल्स आती हैं वो अब्रॉड की गर्ल्स की आती हैं, जैसे कि तुर्की वगैरह के, जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब की आती है, इंडियन गर्ल्स को क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या उनको और सब अच्छे लगते हैं, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो प्लीज़ आज का जो मेरा ये था, मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा है यहाँ से, तो आज मैंने आपको स्पेशली छोटू सा वीडियो बनाया है ये आप लोगों को विश करने के लिए कि मेरी तरफ से बहुत बहुत करवा चौथ की मुबारकबाद सबको, सबके लिए करवा चौथ बहुत अच्छा सा रहे, खूब इंजॉय करो, और चांद को देखने के बाद जब आप अर्घ दे लेंगे तो अच्छे से खाओ पियो, और यही कहना चाहूँगी कि आज चांद बहुत देर से निकलता है, हमेशा ही परीक्षाएं लेता है वो लेडीज़ की कि कितना उनमें धैर्य है धीरज है, और हमेशा इंडियन लेडीज़ चांद का वेट करती हैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने कभी किसी को व्रत तोड़ते हुए नहीं देखा। और हाँ, आज के दिन मैं एक स्पेशल चीज़ बताना चाहती हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम रख रहे हैं या उन्होंने जैसे नेक्स्ट टाइम रखना है, जिनकी शादी फिक्स हो गई है, अगर फर्स्ट टाइम उनकी मॉम या उनकी सास पहले व्रत में, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं, पहले व्रत में अगर उनको पानी जैसे 12 बजे के आसपास पानी और 4 बजे के आसपास चाय या दूध पिला दे, तो ताउम्र जब तक वो व्रत रखेंगी वो दो टाइम वो पानी और चाय या फिर एक टाइम पानी और चाय खाना खाने से पहले एक टाइम ले सकती हैं। मैंने अपनी सास से लगवा लिया था क्योंकि मेरे फर्स्ट करवा चौथ में मेरा बेबी होने वाला था, तो मुझे डॉक्टर ने खाली पेट रहने के लिए मना किया था, तो मेरी सासू माँ ने मुझे चाय लगवा दी थी, तो मैं तब से चाय ले लेती हूँ और मैं चाय पी चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड लोग भी अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, पूरा दिन वाइफ भूखी रहती है उनके लिए, उनकी एक श्रद्धा होती है, एक मान्यता जैसे मानी गई है, वैसे भी दिल को जिन लोगों को विश्वास है वो करते हैं, जिनको नहीं विश्वास वो नहीं करते, तो वो उतना लड़कियाँ भूखी रहती हैं, लेडीज़ भूखी रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो आप भी उनकी हेल्प करें, चाहे वो खाना बनाना हो, घर संभालना हो या और कुछ हो, और गिफ्ट भी करें। तो सब जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स हैं मुझसे अपने मेकअप टिप्स शेयर करें, मैंने आज कुछ नहीं किया है, मैं लैक्मे पीच मिल्क लगाती हूँ, मैंने वही अप्लाई किया है जस्ट, कोई नेल पेंट भी नहीं लगाया, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मॉम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, तो और जस्ट सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक जो नॉर्मल्स होता है, कोई ज्वेलरी भी खास नहीं पहनी है कुछ भी, तो इस तरह से सिंपल सा आज मेरा करवा चौथ है, और आप लोग में से ज़रूर शेयर करना कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, और हो सके तो अपनी पिक्स भी भेजना मुझे फेसबुक पर, इंस्टा का मेरा पुराना अकाउंट है उस पर।
कुछ लोग इस चीज़ को बुरा मानते हैं, बट मैं बुरा नहीं मानती, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं अपने धर्म को पूरी तरह मानती हूँ और इस चीज़ को मतलब अच्छे से सेलिब्रेट भी करती हूँ जैसा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा मेहंदी, ये वो इतना नहीं करती हूँ, कर भी नहीं पाती उतना, लेकिन जितना करना चाहिए उतना करती हूँ। और कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ दिल से होती है। और मैं अपने बेटे से आपको मिलवाती हूँ, ये शैतान नहीं, मैं आपकी फोटो खींचूंगा। अच्छा, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, और मेरे बेटे से मिल लो भाई। जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मेरा ये बेबी होने वाला था, इसलिए मैंने उस दिन चाय पी ली थी, बिकॉज नहीं बंद करो, बिकॉज डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना, मतलब भूखे पेट नहीं रहना है, यानी कि कुछ नहीं खाना है। और बस हैप्पी करवा चौथ टू ऑल।